अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? यार ये जुम्मे का दिन है, मैं आटा गूंद रही हूँ लंच के लिए। आज मनाल के स्कूल में एग्जीबिशन थी, उसका जो प्रोजेक्ट मैंने आपको दिखाया था उसके सारे बच्चे, तो इस तरह सारा मतलब हॉल जो है, कोई ऐसे विनर नहीं रखा उन्होंने, मतलब इस बच्चे वो डिस्करेज ना हो जाएं, तो बहुत प्यारे प्यारे बच्चों ने बनाए हुए थे। तो उधर मैं गई हुई थी, तो सालन जो कि मैंने रात को बनाया हुआ था तो वही चलेगा, क्योंकि मुझे फिर अभी अभी आई हूँ, तो जैसे ही मैं आई हूँ तो लंच का टाइम हो गया और जो मैं नमाज़ का टाइम भी हो गया था, तो बस इसीलिए आटा मैंने कहा चलो मैं आटा फ्रेश गूँध लूँगी। आटा यहाँ पर गूँध रही हूँ, तो आज मुझे ग्रॉसरी करने भी जाना है। थोड़ा सा आजकल मेरा बिज़ी शेड्यूल चल रहा है, क्योंकि ऑनलाइन बिजनेस का हम लोग सोच रहे हैं। अम्मी तो मेरी अभी तक लोकली करती थी, तो अचानक ही बस ये एक्सीडेंटली ये स्टार्ट हुआ, जैसे ही आप सब बहनों ने कहा कि जो इंटरेस्टेड थे उन सब ने कहा कि हम भी लेना चाहते हैं, तो ये तो हमारे मुल्तान की एक समझ लें कि यूनिक चीज़ है और एक डिफरेंट सी चीज़ है, जो फुलकारी वाली शलवारें जो मुल्तान की हमारी एक ट्रेडिशनली शलवारें हैं जो, और ये लगती भी बहुत खूबसूरत हैं और बहुत रेयर हैं, इनको मतलब काम इनका स्पेशली करवाना पड़ता है ऑर्डर पे, तो उसी पे मैं सारा काम कर रही थी। अभी तो फ़िलहाल विद इन कंट्री ही हम लोग करेंगे, तो इंशाल्लाह फिर आउट ऑफ कंट्री भी इसको हम लोग स्टार्ट कर देंगे। तो जी आटा मेरा गुन गया है, तो ये मैं रोटी बना रही हूँ और साथ साथ मैं इसको फॉरवर्ड नहीं करूँगी, आपसे बातें भी करूँगी। तो इस शलवार की प्राइस है 2200, और इसके अलावा जो कोरियर वगैरह का होगा वो फिर मैं आपको अभी कंफर्म नहीं बता रही कि वो कितना होगा, वो तो डिपेंड करता है ना वेट पे, वो फिर जितना होगा वो मैं आपको बता दूंगी। तो कोरियर वाले से भी थोड़ी आजकल वो बात चल रही है, क्योंकि बहुत सी बहनों ने कहा है, मतलब इस्लामाबाद, पिशावर और कराची, लाहौर, इन सब में डिलीवरी देने के लिए तो एक कोरियर सर्विस तो एक अच्छी होनी चाहिए, तो उनसे भी आजकल हमारी बात चल रही है। तो देखिए इसकी प्राइस भी मैंने आपको बता दी है, अगर कोई भी इंटरेस्टेड है इसको लेने में तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करे, तो फिर जल्द ही मैं कुछ व्हाट्सएप का भी कुछ करूँगी इस सिलसिले में इंशाल्लाह। अम्मी का नंबर होगा तो इंशाल्लाह जल्दी ये स्टार्ट हो जाएंगी ये चीज़ें भी। ये हर कलर में हैं ये शलवारें, जो भी आप कलर पसंद करो। तो मज़ीद इन शलवारों के बारे में बात नहीं करूँगी, क्योंकि मेरे और व्यूवर्स नाराज़ हो जाएंगे जो इंटरेस्टेड नहीं है इन शलवारों में। तो जी मेरी रोटी बन गई है, अब हम करेंगे डिनर, और आज मैंने जाना है, ग्रॉसरी पे भी जाना है, तो ये खाना वाना खा के हम लोग असर के टाइम निकले हैं बाहर। हमने कहा कि चलो हम जल्दी से काम करें वरना फिर बहुत रात हो जाती है। तो सबसे पहले मैं जाऊंगी उधर मार्केट जाना है, मुझे अपना लेना था कुछ, अपना स्टॉलर मुझे लेना था, तो पहले मैं मार्केट जाऊंगी, फिर उसके बाद कुछ फ्रूट्स और ग्रॉसरी और बस ये सब करके हम लोग जो भी आज मेरे मियाँ क्योंकि घर पे हैं, तो फिर जब ये होते हैं तो फिर मैं मैक्सिमम अपने काम जो है ना वो मैं कर लेती हूँ। तो बस शाम होने ही वाली, मगरिब का टाइम होने वाला है, तो मार्केट से होके ये हम ले रहे हैं फ्रूट्स कुछ। आजकल फ्रूट्स बहुत अच्छे हैं, हमें वेट लूज़ करने के लिए बहुत अच्छे फ्रूट्स हैं, जैसे पपाया है। प्रेग्नेंट लेडीज़ तो ना खाएं, क्योंकि ये इसकी तासीर जो है वो गर्म होती है। और स्ट्रॉबेरीज़ हैं वो खाएं पूरा बाउल भर के, बहुत अच्छी हैं ये इसके लिए, डाइट के लिए।
और ये आ गई हूँ स्टोर पे। यहाँ पर मैं कर रही हूँ अपनी ग्रॉसरी। आप सबने कहा है बिरयानी मसाला बनाना सिखाएं, तो वो उसके लिए मैंने सारी मैंने चीज़ें ले ली हैं, वो मैं अब इंशाल्लाह सिखाऊंगी। वैसे एक वीडियो मैंने बनाया हुआ है, मैं आपको लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप देख लीजिएगा। तो बस यहाँ से ग्रॉसरी करूँगी और फिर हम जाएंगे घर। घर जा के फिर अभी मुझे डिनर की तैयारी भी करनी है, तो हमारा यही प्लान बना है कि हम लोग राइस खाएं। हमारा ये बस फेजेस डिफरेंट चलते रहते हैं कि राइस चल रहा है तो बस वही चल रहा है, कुछ वो नहीं होता कि मिला जुला के हम लोग वो इस तरह करें, बस वो फेजेस चलते रहते हैं। बस एक चीज़ का दिल करना है तो वो फिर कुछ दिन करना है बस उसका दिल, हमारा ये सिस्टम थोड़ा सा होता है। तो मैंने क्लिनजिंग के लिए वीडियोस मैंने बनाई हुई हैं, आप लोग गौर से देखें तो सर्च करें आपको मिल जाएंगी। और मैं कोशिश करूँगी कि वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक उसका दे दूँ ताकि आप देख लें, क्योंकि मेरे कुछ मैंने कह रही थी कि उनको क्लिंजिंग स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊँ, उनको समझ नहीं आई। आप लोग वहाँ से भी देख लीजिएगा वीडियोस, वैसे मैं आपके लिए और भी बना दूँगी ऐसी वीडियोस इंशाल्लाह। तो मैं आज बस मैं अब घर आ गई हूँ, फ्रूट्स मैंने अरेंज करके फ़ौरन से मैंने रख दिए और चीज़ें मैं डाल डाल के दे रही हूँ मनाल को, बस वो हिलाती जा रही है और मैं डालती जा रही हूँ। बस सिंपल से राइस बनाऊँगी, तो बस मैं साथ साथ किचन भी समेट रही हूँ। और ग्रॉसरी मैंने अभी सेट नहीं की क्योंकि मैं ग्रॉसरी आपको दिखाना चाह रही थी, लेकिन क्योंकि फिर काफ़ी रात हो गई, काफ़ी थकान भी हो गई घर समेटते समेटते, तो मैंने अभी ग्रॉसरी मैंने सेट की ही नहीं कैबिनेट्स में, वो वैसे ही पड़ी हुई है। तो कुछ शैम्पू एक नया लाई थी और कंडीशनर, वो मैं आपको दिखाना चाह रही थी, वो मैं आपको नेक्स्ट अपने व्लॉग में इंशाल्लाह दिखाऊंगी। और ये मेरे हस्बैंड भी खड़े हैं इधर। तो हमारा जो फैमिली टाइम होता है तो हम मनाल के साथ मतलब खेलते हैं ज़रूर। तो बस ये राइस भी मेरे अब दम पे आने वाले हैं, राइस को मैं दम दे रही हूँ। और ये दम से निकल आए हैं। कभी कभी ऐसे दिल करता है इस तरह वाइट वाले राइस खाने को, जो कम मसाले वाले हों और उनकी जो अपनी खुशबू होती है राइस की, उस वाले चावल हों, तो मैंने वैसे ही बनाए हैं। और कभी कभी दिल करता है कि बहुत मसाले वाले इमली शिमली डाल के वो बनाए जाएं, तो वो भी अच्छे लगते हैं अपनी जगह पे। कभी इसका दिल करता है, कभी उसका दिल करता है। तो ये बस मैंने लाइट से बना रही हूँ और ये मैं तसले में डाल रही हूँ, मैं और मेरे मियाँ खाएंगे तसले में। रायता भी मैंने बना लिया है ज़ीरे वाला, और साथ में अचार भी होगा, तो बस यही हमारा डिनर हो जाएगा। और नेक्स्ट डे सुबह मैं चली गई थी अम्मी के घर, ये दुपट्टा और एक और कलर की शलवार भी है, ये मैं आपको दिखाना देखो चाह रही थी, ये है ऑरेंज ये कलर वाली की, ये शलवार। डिज़ाइन सेम है, एम्ब्रॉयडरी भी फिलहाल ये सेम दो है, शलवारें ही लेकिन पड़ी ये हुई ऑरेंज हैं, कलर में है बाकी डिपेंड करता है ये वाली। ऑर्डर पे कि किस तरह से ऑर्डर आते हैं, ये क्योंकि भी इनको पटियाला बनवाना टाइप पड़ता है, है मतलब और खुली खुली टाइम भी शलवार काफ़ी है, लग और जाता है ऐसी चीज़ों साइज़ पे। भी ये फ्री साइज़ है, आ एम्ब्रॉयडरी पे जाएगी, थोड़ा टाइम लग जाता है, मतलब पहले से ऑर्डर स्टैंडर्ड देना साइज़ पड़ता है ये। है। तो और ये ये तो येलो है एक जो मैंने सुना ली आपने है और एक देखी और भी पड़ी हुई है येलो थी, कलर एंड वी की, आर गोइंग टू और मार्केट, ये वाला दुपट्टा भी है। ये ये दोनों दुपट्टा दुपट्टे है बहुत ही दुर्लक्ष खूबसूरत हैं, मार्केट काला ये मंकी, दुपट्टे भी ये भी कई कई कलर में सारे होते कलर्स में हैं, मिल जाते हैं, ये दुपट्टे भी कई कलर के हैं। ये मैचिंग ऑरेंज के साथ मैचिंग जा रहा है, ये और ये वाले इसके भी साथ हैं, प्लेन कुर्ती बहुत ये अच्छी काफ़ी लगेगी, सेल और हो एक गए वो हैं, ये दूसरा वाला इतने ये दुपट्टा बस भी है, आते हैं बल्कि और वो चले तो जाते चादर हैं, है इस पूरी, तरह के कपड़े हैं। काफ़ी बड़ी साइज़ की चादर है, इसके ये भी साथ कई प्लेन कलर्स में सूट है, वो मतलब डिफरेंट कलर्स बहुत अच्छा में लगेगा, वाइट सूट भी बहुत अच्छा है। लगेगा प्लेन।
या किसी भी कलर का। ये और सूट हैं शिफॉन के हैं, ये भी पड़े थे। आप लोगों ने कहा था कि हमें दिखाइएगा तो मैं इसलिए आपको दिखा रही हूँ। ये ऐसे वाइट में है, ये चिकन है। तो जी मिलूंगी आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने घर वालों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। और बस आते हैं और फौरन ही सेल हो जाते हैं, बाकी सारे लॉन के पड़े हुए हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो मैं नंबर दे रही हूँ एक, तो आप उस पर मुझे कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा।